दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा जरूर होता है जिसके तार भले ही बीते हुए कल के साथ जुड़े हों, लेकिन आज भी पछतावे के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। इस विषय में हम आपको धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित की जिंदगी के उस हिस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका पछतावा उम्र के इस पड़ाव पर जाकर भी माधुरी दीक्षित को है। जैसा कि आप सब जानते हैं, माधुरी हिंदी फिल्म जगत की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। कई फिल्मों में तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह विलेन के साथ लड़ती नजर आई, तो कई फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी भी किया, तो कई बार बोल्ड भी हुई। पर्दे पर दिए गए बोल्ड सीन्स पर चर्चा करें तो एक फिल्म ऐसी है जिसे माधुरी कभी भी याद नहीं करना चाहेंगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिल्म दयावान की, जिसमें माधुरी के साथ दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना नजर आए थे। इस फिल्म के साथ एक विवादित किस्सा जुड़ा है। विनोद खन्ना को लेकर ये हमेशा कहा जाता है कि फिल्मों में रोमांटिक सीन करते हुए वो इतने बेकाबू हो जाते थे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ इंटीमेट सीन करते हुए विनोद इतने बेकाबू हो गए कि माधुरी की हालत उन्होंने खराब कर दी। फिल्म रिलीज के बाद इस सीन के लिए माधुरी दीक्षित की खूब आलोचना हुई। विनोद खन्ना के साथ इस सीन पर माधुरी को आज भी पछतावा है। आपको बता दें, फिल्म रिलीज के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके विनोद खन्ना के साथ फिल्म डायरेक्टर पर ढेर सारे इल्जाम लगाए थे। माधुरी दीक्षित विनोद खन्ना से उम्र में 21 साल छोटी थी। तो दोस्तों, माधुरी और विनोद खन्ना के इस हॉट सीन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मसालेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।